प्रश्न। मुझे ईमेल के द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ जो इस प्रकार था। शाबान मुअज्जम के महीने की हर जुमेरात को 2 रकत नमाज पढ़ना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस व्यक्ति ने उसमें 2 रकत नमाज पढ़ी वो हर रकत में सूरतुल फातिहा और 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। फिर जब सलाम फेरता है तो 100 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसके दीन और दुनिया के मामले में से हर ज़रूरत को पूरी कर देगा। मैं इस बात की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना चाहता हूँ तथा 2 रकत नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। ज्ञात रहे कि इसमें कुल हुवल्लाहु अहद के 100 बार पढ़ने का उल्लेख किया गया है, तो क्या उसे 2 रकतों के दौरान पढ़ा जाएगा या उसके बाद। उत्तर। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। सुन्नत अर्थात हदीस की पुस्तकों में इस हदीस का कोई आधार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शाबान के महीने में नमाज की फजीलत के बारे में स्वरचित अर्थात मनगढ़ंत हदीसों में से है, तथा यह कि शाबान के महीने और उसमें नमाज पढ़ने और 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में झूठी हदीसें गढ़ ली गई हैं। अल्लामा इब्ने हजर हैथमी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इस रात अर्थात रजब के महीने के पहले जुमा की रात और 15वीं शाबान की रात की फजीलतों के बारे में वर्णित सभी प्रसिद्ध हदीसें असत्य और झूठी हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, भले ही वे कुछ वरिष्ठ विद्वानों की किताबों में आई हैं, जैसे गजाली की इहया उलूमुद्दीन वगैरह समाप्त हुआ। इसी प्रकार सप्ताह के कुछ दिनों में नमाज की फजीलत में भी हदीसें गढ़ ली गई हैं। अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, वह नमाज जिसका उल्लेख इतवार और सोमवार और उनके अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में किया जाता है, हदीस के जानकारों के बीच इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि वे मनगढ़ंत अर्थात मौजू हदीसें हैं, और इस नमाज को धर्म के इमामों में से किसी एक ने भी मुस्तहब नहीं समझा है। उद्धरण समाप्त हुआ। अतः इस झूठी मनगढ़ंत हदीस पर अमल करना जायज नहीं है, तथा अन्य सही हदीसों में उसके लिए पर्याप्तता है जो वास्तव में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों में से होना चाहता है, और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।